तो भाई आमिर वाजिदी क्यों हर बार टारगेट होता है भाई? भाई मत करो यार ऐसा किसी के साथ भाई, ये बंदे अच्छा नहीं लगता कि भाई किसी के साथ गलत हो रहा है, तो वो बंदा देख के मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा। 5 मिलियन सब्सक्राइबर बनाए, तो उसके बाद उसका चैनल टर्मिनेट हो गया। पहले ना भाई उनका यूट्यूब चैनल था जो, वो भी टर्मिनेट हो गया था। एंड आज इंस्टाग्राम जिसके आई थिंक 800K फॉलोवर थे, सो वो भी चला गया। सो भाई लोग अभी सुबह के बज चुके हैं 9 और आपका भाई निकल रहा है भाई पूंछ के लिए। तो आज ना इतनी ज़्यादा सर्दी है, मतलब आज क्या सुबह मॉर्निंग में तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। सो मुझे ना कुछ काम था, तो मतलब मैं अपने काम के लिए जा रहा था, तो सोचा आज ना ब्लॉग भी करूँ। और रात को ही ना मैंने एक वीडियो देखी थी, सो जो भाई मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने सोचा ना इस पर वीडियोज़ बनानी चाहिए। मैं इतना बड़ा क्रिएटर तो नहीं हूँ कि भाई किसी को सपोर्ट करूँ, बट फिर भी मैं मतलब देख के अच्छा नहीं लगता कि भाई किसी के साथ गलत हो रहा है, तो वो बंदा देख के मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा गलत किसी के साथ। भाई वो अपनी मेहनत के साथ कोई कुछ भी कर सकता है भाई, आप मेहनत करते हो भाई, जब मेहनत पहले कुछ नहीं होता बंदे के पास तो लोग उनके ताने सुनने पड़ते हैं, जब किसी के पास कुछ आता ना तो भाई फिर लोग उसको जीने नहीं देते हैं। ऐसे काफ़ी सारे मसले हैं भाई, मैं आपको आज ना वही शेयर करूँगा, तो इसलिए मैंने आज ब्लॉग करा। कोई मूड नहीं था मेरा ब्लॉग करने का, क्योंकि भाई मुझे ना अपने काम होते हैं, मैं काम में बिज़ी होता हूँ, तो जैसे ही मैं एक वक्त निकालता हूँ ना अपने लिए, तो उस दिन मैं ब्लॉग वगैरह कर लेता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं निकल रहा हूँ पूंछ के लिए, और ब्लॉग्स वगैरह मैंने अच्छे से पहने, वो भाई सुबह क्या ठंड होती है ना वो भाई। सो भाई अभी आइसक्रीम ब्रिज पर पहुँचे हैं, क्या भयंकर ठंड है यार मॉर्निंग में। मतलब दिन में तो ठीक ही हो जाता है मौसम यार, इतनी वो सर्दी वगैरह नहीं होती है, बट व्यू चेक करो भाई एक बार, आज ना मौसम भी मतलब नॉर्मल सा ख़राब है, ज़्यादा नहीं है पर नॉर्मल सा ख़राब है। तो अभी हम चलते हैं भाई अपने काम के लिए, तो वहीं पे चलते हैं, वहीं पे बातें वगैरह भी करेंगे। तो बहुत कुछ शेयर करने के लिए है, बहुत कुछ शेयर करना भाई, तो वो भी वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो लास्ट वीडियो में ना मैंने आपको ये बताया था कि मैं बाइक को मॉडिफाई करवाने वाला हूँ, तो बता दो भाई क्या करना क्या नहीं, मतलब थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए अच्छे से फिर तो मैं करवा ही लूँगा एक दिन। तो शोएब का बाइक का भी देखना था वो कब तक हो जाती है रेडी, तो अभी तो लगी हुई है भाई, अभी कुछ उसकी अपडेट वगैरह नहीं है, तो वो भी देख लेंगे भाई क्या सीन है क्या नहीं है, तो वो भी आपको दिखाते रहेंगे। ये रॉन्ग साइड से ना मैं निकल रहा हूँ भाई, ऊपर वाली साइड से नहीं जा रहा आज, तो मैं सोचा भाई नीचे वाली साइड से निकल जाता हूँ, ये थोड़ा शॉर्टकट है। अरे अम्मन जी तो सुनेगी मुझे, जाने दे भाई दो भाई, कहाँ फंस गया, ये रॉन्ग साइड है भाई देख लो बट क्या करें भाई चलना पड़ता है। कुछ दिनों में ना भाई बर्फ़ भी गिरे जाएगी, अगर दिसंबर लगेगा बस फिर तो बर्फ़ वगैरह भी पड़ जाएगी, फिर जाएंगे भाई घूमने बर्फ़ में भी। अरे ये क्या कर रहा भाई, आराम से अंकल चले अपने काम पे, वो वाला निपटाते हैं भाई, तो फिर देखते हैं भाई क्या सीन आता है। 2000 years later एंड भाई लोग मैं आपको जो बात कर रहा था ना, सो वो मैं ये बता रहा था कि भाई जी अभी रात को ना मैंने आमिर माजिद की ना एक वीडियो देखी थी, जिसमें भाई वो बता रहा था कि भाई कि मेरा ना इंस्टाग्राम उड़ गया है, मतलब अकाउंट किसी ने हैक कर लिया, क्या सीन हुआ भाई आई डोंट नो उनका क्या सीन है। सो कुछ टाइम पहले ना भाई उनका यूट्यूब चैनल था जो, वो भी टर्मिनेट हो गया था। एंड आज इंस्टाग्राम जिसके आई थिंक 800K फॉलोवर थे, सो वो भी चला गया। सो मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही है भाई किसी को आमिर माजिद के साथ ही क्यों ऐसा होता है भाई, क्योंकि भाई भाई आमिर माजिद को मैं उस टाइम से देखता हूँ भाई, जिस टाइम से ना भाई आमिर माजिद के 25K सब्सक्राइबर थे, सो काफ़ी पुरानी बात है, बट मैं देखा था उस टाइम पे। फिर भाई बंदे ने 2.5 मिलियन आई थिंक 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर बनाए, सो उसके बाद उसका चैनल टर्मिनेट हो गया। तो भाई जो भी बंदा आमिर माजिद के साथ ऐसा कर रहा है भाई, आई डोंट नो उनका क्या सीन है भाई आपस में, आमिर माजिद का या कुछ उनके साथ लफड़ा है या कुछ दिक्कत है भाई, वो उसका तो हमें कुछ भी पता नहीं है भाई, हम किसी को नहीं कर सकते, मतलब हम किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते भाई। जितने भी मेरे भाई जम्मू से हैं जो कर रहे हैं, तो भाई वो भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो भाई, तो भाई आमिर माजिद क्यों हर बार टारगेट होता है भाई, भाई मत करो यार ऐसा किसी के साथ भाई। बंदे तो बंदे ने भाई ना बहुत ज़्यादा मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा था, तो आज उनका सब्सक्राइबर जो 800K फॉलोवर थे भाई, वो इंस्टाग्राम भी उड़ गया है। तो रिसेंटली आयरा माजिद का भी उड़ा था,
तो आई डोंट नो भाई क्या सीन है, बट मैं मतलब यही बोलना चाहता हूँ, मुझे दुख होता है भाई, मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा, ना तो मैं किसी के साइड हूँ कि आमिर माजिद के साइड हूँ, या फिर अपने जम्मू के इतने सारे ब्लॉगर हैं जो मतलब अभी स्टेज पे हैं, जिनके 1 मिलियन से ऊपर ही सब्सक्राइबर है। जैसे आमिर माजिद ने भाई जब स्टार्ट किया था तो भाई कोई भी जम्मू में मोटो ब्लॉगर नहीं था, उसके बाद ये धीरे 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 अभी यहाँ तक बंदे पहुँचे हैं, तो भाई क्यों उसको बार बार टारगेट कर रहे हो, यही समझ नहीं आ रहा मेरे को। बट भाई जो भी है, जो भी बंदा है भाई, उनका आपस में कोई होगा कुछ, जो भी चल रहा है सीन भाई, जिससे वजह से ना भाई आमिर माजिद का चैनल उड़ा, फिर अब इंस्टाग्राम उड़ गई। अभी राजपुर में जो वीडियो देख रहा था वो भी बता रहे थे कि भाई मेरा जो ये चैनल है, उनका भी मुझे नहीं पता कि कब तक कोई बंदा इसको उड़ा देगा, क्या सीन है भाई, आई डोंट नो क्या सीन है, जो भी है भाई। बट किसी की करियर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों का क्या ख्याल है भाई, वो भी कमेंट करके बता देना। मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा भाई, ना तो आमिर माजिद की सपोर्ट कर रहा हूँ, ना तो किसी अदर मोटो ब्लॉगर की सपोर्ट कर रहा हूँ। जितने भी जम्मू के मोटो ब्लॉगर हैं भाई, सपोर्ट चाहिए भाई आप लोगों की, आप उनको सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि आमिर माजिद की वजह से ही ना भाई आज जितने भी मोटो ब्लॉगर हैं वो चल रहे हैं, मतलब उनकी उसके बाद ही ना भाई वो बने, पहले तो कोई भी नहीं था। तो बाकी मेरा कुछ ज़्यादा किसी के, ना तो मैं किसी की सपोर्ट कर रहा हूँ, ना तो मैं किसी को हेट की तरह से बोल रहा हूँ, पर भाई जो भी ऐसा बंदा कर रहा है तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसका भी घर चलता है भाई मोटो ब्लॉगिंग से, ठीक है। तो कुछ बंदे मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं, तो किसी का अगर 1000 सब्सक्राइबर वाला चैनल उड़ जाए ना भाई, तो उसको कितना दुख होता है। तो भाई जिस बंदे के 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर थे आई थिंक, और 800K वाला चैनल भी इंस्टाग्राम भी उड़ गया, तो काफ़ी दुख होता है भाई। तो अभी फिलहाल मैं कुछ अपने काम के लिए निकल रहा हूँ, वो करके एंड देन फिर मिलते हैं आपको सेटअप पे। तो कमेंट करके बता देना भाई ये गलत हुआ कि सही हुआ। फाइनली भाई लोग अभी मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, और बहुत ज़्यादा ना लेट हो चुका हूँ भाई, और टाइम भी काफ़ी हो चुका भाई, 6 बजने को है। तो अभी मेरे को एक और काम दिया भाई, काम इतने होते हैं कि भाई ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, क्या ही करें भाई, काम के बिना ना अपने कुछ भी नहीं चलने वाला। तो चाचा जी साइड दे दो, तो मैं क्या बोल रहा था भाई कि मतलब जितने भी बंदू ने मतलब जो भी सीन चल रहा है ना अभी के टाइम पे जो आमिर माजिद के साथ हो रहा है, तेरा भाई बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि भाई उस बंदे ने बहुत मेहनत करके ना भाई यहाँ पर पहुँचा था। जाम लग चुका है, तब गाड़ियाँ घुसा देते हैं ना भाई, गलत हो जाता है। तो मतलब कि ना बहुत मेहनत करके ना बंदा भाई वहाँ तक पहुँचा था, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए भाई किसी को भी। और फिलहाल अभी तो हम निकल रहे हैं घर, तो भाई जाके ना सपोर्ट करो भाई आमिर माजिद को, और जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, बट अभी क्या, अभी तक हम क्या कर सकते हैं भाई, अभी कुछ भी बता नहीं सकते भाई, क्या सीन हुआ, टर्मिनेट हुआ है या फिर परमानेंट के लिए बैन हो गया भाई, ये भी तो पता नहीं है। बट ऐसा करना नहीं चाहिए भाई किसी की ना भाई, बहुत मेहनत है भाई, मेहनत देखो भाई बंदू की कितनी मेहनत करके ना बंदा यहाँ तक पहुँचा था, तो अगर भाई ऐसा करोगे तो बहुत गलत हो जाएगा। तो देखते भाई अभी नेक्स्ट अपडेट क्या आने वाली है आमिर माजिद की साइड से, अभी तो कुछ भी मैंने रात को एक ब्लॉग देखा था, उसके बाद अभी शायद कोई ब्लॉग आ रहा है भाई, आई थिंक उससे ना आमिर माजिद के 500K भी हो चुके होंगे। पहले जाम से निकलते हैं भाई, भाई बहुत गंदे जाम से निकले हैं, मतलब के बहुत ही टाइम लग गया यार इस गाड़ी वाले में, बहुत दिक्कत थी। तो अभी हम फिलहाल निकलते हैं घर के लिए भाई, तो होप के ना आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को ना लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। तो मिलते हैं भाई एक नेक्स्ट मंथ वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून गाइस।